हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग विद डॉली पे। तो ये वीडियो है 25 मई का मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर करा था भाई के बर्थडे का, और उसके बाद से मैंने ये 29 मई का आप लोगों से ये वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये रात के अराउंड 2 बज रहे थे और यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या नाम है, मेरी ज्वेलरी वगैरह ना सब ना इधर उधर रखी हुई थी, तो मैंने इसको सेट बना के मैंने इसको रखा था। फिर क्या नाम है, मैं तो देख रही थी, मुझे जाना था कहीं पर। सॉरी, ये है 28 मई का वीडियो है रात का। 29 मई को हमें जाना था कहीं पर, और तो ये वहीं का ही वीडियो, मतलब ये वही वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हैं। तो ये देखिए, मैं ज्वेलरी वगैरह में सोच रही हूँ, मैं रेड कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ जहाँ मैं जा रही थी। तो वही हम लोग ना यहाँ पे तैयारी कर रहे थे कुछ, क्योंकि ना सुबह ना बहुत जल्दी निकलना था, और घर का काम हम क्लीनिंग वगैरह और तैयार वैयार रेडी वगैरह होकर ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। ये ना सारी जो छोटी मोटी तैयारियाँ होती है ना, ये पहले से अगर करके रख लो तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। देखिए यहाँ पे ना मेरी सारी चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी, तो क्या नाम है, वो मैंने सेट करके इसमें रखी हुई थी। तो मैं एक्सेसरीज दिखा रही थी आपको, हेयर एक्सेसरीज। और यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है, वो मेरी जो मतलब चूड़ियों का जो सेट है वो बना रही थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा भरे भरे हाथ चूड़ी अच्छी लगती हैं। उसी की वजह से ना मुझे हुआ ये कि गर्मी ज़्यादा थी और दोपहर का ही फंक्शन था जो भी था, क्या नाम है, वहाँ पर मेरे ना मैंने भर भर हाथ चूड़ी पहन रखी थी, तो मुझे ना हाथों में हो गई थी एलर्जी, जिस वजह से ना मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी कि अगर वहाँ पर एक कड़ा भी लग रहा था ना, फिर बाद में शाम के टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था वहाँ पर। तो क्या नाम है, यहाँ पर ये सेट बन रहा है चूड़ियों का अच्छे से, और कहाँ पर जाना है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। हमें नेक्स्ट संडे को जाना था यहाँ पर, क्या नाम है, भाभी के यहाँ, मेरी जो भाभी है उनके पीहर में कुछ काम था, पूजा थी, तो वहीं पर गए थे हम। तो ये देखिए मेरा चूड़ी का सेट बन के तैयार हो गया। भूमि ने चूड़ी पहन के दिखा दी किस तरह से लगेगी, बहुत ही अच्छा सेट बनाया था इसने। और यहाँ पर हम लोग ना तैयार वैयार होकर हम देखिए यहाँ पर निकल चुके हैं भाभी के पीहर जाने के लिए। तो 3 से 4 घंटे हम लोग रुके हुए थे, तो क्या नाम है, 3 से 4 घंटे में होकर हम आ गए थे, क्योंकि ऐसा था कि नेक्स्ट डे मंडे था, तो मंडे 30 मई था, तो उस दिन थी वट सावित्री का व्रत, ठीक है। तो वट सावित्री की व्रत की भी तैयारी करनी थी, और कोई हमारे यहाँ गेस्ट भी उस दिन आ रहे थे, तो बहुत सारी तैयारी करनी थी। तो मैंने ज़्यादा टाइम ना हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और हम वहाँ से आ गए। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगी मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी, तो फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तो ये देखिए भाभी का घर है जहाँ पर हम गए हुए थे, ठीक है। प्रसाद देते रहो बेटा, प्रसाद लेते रहो, बाहर जाते रहो बच्चे बच्चे, तुम लोग प्रसाद लेते रहो, सब जाते रहो, पंडित जी प्रसाद देते रहो, बहुत लोग बाहर खड़े हुए हैं। सुनो ये ना लो पंडित जी, हाँ आया आया आया, और ये अंदर का ना मैंने किसी से शूट करवा लिया था, तो अंदर की वीडियो में बनवा रही थी। यहाँ पर ना कन्या खिलाते हैं, जो मतलब पूजा हो जाती है तो सबसे पहले कन्या खिलाते हैं ना, तो यहाँ पे ये कन्या खिला रहे हैं यहाँ पे ये लोग। उसके बाद में जो खाना था वो मतलब शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने खाना ना खा के थोड़ी सी देर बैठ के बात बात करके हम लोग यहाँ से निकल गए थे। देन उसके बाद हम यहाँ वहाँ पर गए थे, क्या नाम है, अपनी मैं मासी के घर गई थी, तो वहाँ बैठी रही थी क्योंकि वट सावित्री का व्रत था, तो मेहंदी वहंदी मैंने लगवाई नहीं, वहाँ पर हम बैठे हुए थे ऐसी बातें कर रहे थे। उस दिन बारिश हुई थी बहुत तेज़ की, बहुत अच्छा मौसम हो गया था उसके बाद से। तो ये देखिए ये मैं ही बैठी हूँ, मेरा फेस तो वैसे भी नहीं आना है, तो फिर मेरा बैक लुक ही आप लोग देख लीजिए। और ये क्या नाम है, मेरे लड्डू, और ये लड्डू का मुझे ना ये वाली ड्रेस बहुत पसंद है इनकी, तो पूजा पर्पस है, वैसे भी ये रेड वेड ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो फिर मैंने पहना दिया। और अब देखिए शाम रात हो गई है, यहाँ पर बज रहे होंगे 11 या 12 ऐसे बज रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ये ना वट सावित्री व्रत की तैयारी कर रही हूँ, ये कुछ ऐसी तैयारी जो पहले से करके रख दी मैंने। तो ये यहाँ पर ये माला बना रही हूँ, कच्चा सूत का धागा है ये, इसको ना 12 लड़ में लगाए जाते हैं, ठीक है। 12 इसके धागे को मतलब लपेट लिया मैंने, 12 लड़ी ही कर ली है धागों की। तो ये हमारे यहाँ जैसे होती है, मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ। तो यार मैं एक छोटी माला बनाई थी जो बरगद के पेड़ को पहनाएंगे वो,
और एक जो होती है जो मैंने पहनी है। यहाँ पर ना मैं देखिए इसको पीला करूँगी, थोड़े से पानी में मैंने डाल दी इसके अंदर आधा चम्मच तकरीबन, इसके अंदर हल्दी में आधा से भी बहुत थोड़ी, आपने देखा ना कितनी हल्दी डाली है। उसके बाद इसमें मैं हल्दी को मिला के इनको धागों को ना इसमें मतलब मैं डिप कर दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसको मतलब ऐसे ही रख दूँगी रात भर, मतलब ये तो सूख ही जाएंगी। तो वट सावित्री के जो व्रत की जो पूजा है ना वो मैं पूरी आप लोगों से शेयर करूँगी, क्या नाम है, नेक्स्ट वीडियो में। खाने वाने की जो वीडियो है ना वो मैंने शेयर, वो मैंने बनाई नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी होती है सुबह का, जब कोई काम होता है हस्बैंड को काम पे जाना होता है तो उससे पहले व्रत व्रत की तैयारी वगैरह करनी थी, तो काम ना बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो इसलिए ना वीडियो वीडियो वैसे ही बनाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई काम अगर आधे घंटे का हो रहा है ना, वीडियो अगर बनानी हो तो 1 घंटे का वो लगता ही लगता है। तो इसलिए मैंने खाने वाने की कोई वीडियो आप लोगों को शेयर नहीं करी थी।